हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ शो कर रही हूँ। ये देखिए, सेकंड फ्लावर मेरे शमी प्लांट में निकल रहा है, शमी के प्लांट में। ये दूसरा फ्लावर निकलने वाला है, अभी खिला नहीं है। ये कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटी सी अपडेट देते हुए वीडियो की शुरुआत करूँगी। आज का वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, इस प्लांट के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। छोटी सी अपडेट मेरे रियो प्लांट की, जो कि मैंने DIY प्लांटर में लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरे रियो प्लांट की। देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देरी ना करते हुए, कि आज का वीडियो मेरा किस टॉपिक पर रहेगा। चलिए आइए मेरे साथ, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए मेरे साथ फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये सुंदर सी पत्तियों वाला ये प्लांट, जो कि देखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है। देखिए इसकी लीफ की सुंदरता आप देखिए, कितनी सुंदर हैं फ्रंट से भी और बैक से भी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी ब्यूटी को, कितना सुंदर प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट है कैलेथिया ऑर्नाटा का प्लांट। ये कैलेथिया का प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि मेरेंटा फैमिली का प्लांट है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसकी ब्यूटी को, कैलेथिया की बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं। मेरे पास इसकी ये वैरायटी है कैलेथिया ऑर्नाटा, जो कि मेरेंटा फैमिली का प्लांट है, जिसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कितनी सुंदर लग रही हैं इसकी लीफ, और इसकी लीफ ही इसकी सुंदरता होती है इस प्लांट की। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है एक इंडोर प्लांट है, ये इंडोर में भी अच्छा सर्वाइव करता है। तो आज मैं इसी प्लांट की केयर के बारे में आपके साथ बात करूंगी, कि आप इस प्लांट की केयर कैसे करें, ताकि आपका जो प्लांट है वो आपके गार्डन में हमेशा बना रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रोपोगेशन की, इस प्लांट को आप कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये प्लांट अभी एक या डेढ़ मंथ पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। डेढ़ महीने पहले ही मैंने इसको लेकर आई थी, और इसकी रिपोर्टिंग जब मैंने की थी उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है आप कटिंग के द्वारा नहीं लगा सकते हैं, आप इस प्लांट को डिवाइड करके लगा सकते हैं। इस प्लांट को आप डिवाइड के माध्यम से लगा सकते हैं, इसकी कटिंग से आप इसको नहीं ग्रो कर सकते हैं। और या फिर आप नर्सरी से लाकर इसको लगा लें, तो जब भी डिवाइड करें तो आप मानसून सीजन में ही डिवाइड करें। तो ये मेरा प्लांट जो है एक से डेढ़ महीने में पुराना ही है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इतने दिनों में इसकी हो गई है। देखिए, पहले इसमें ज़्यादा लीफ नहीं थी, लेकिन नई लीव्स इसमें काफ़ी आ गई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मुश्किल से इसमें चार या पांच लीफ थी, और इसमें नई लीफ देखिए ये निकल भी रही है इस तरह से। तो बात करते हैं अब इसकी केयर की, कि आप इसकी केयर कैसे करें। प्रोपोगेशन मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको डिवाइड करके ही लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो फ्रेंड्स, सॉइल इसकी जो है वेल ड्रेन बनेगी। इसमें आप रेत की जो मात्रा है ज़्यादा रखिएगा। देखिए, मैंने रेत जो है 50% रखी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो मिट्टी मैंने बनाई है, देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। पानी अगर आप डालें इसमें तो पानी बिल्कुल भी इसमें रुके ना। देखिए कितनी भुरभुरी, मैंने बालू की मात्रा ज़्यादा रखी है 50%, और बाकी मिट्टी डाली है जो गार्डन सॉइल होती है, और वर्मी कंपोस्ट और फंजीसाइड और नीम खली का पाउडर, और यही सब डालकर मैंने इसके सॉइल तैयार की। देखिए कितनी अच्छी
भुरभुरी सॉइल है और मिट्टी में जो है नमी बना के रखें, इसमें बिल्कुल भी ये गीली मिट्टी ना रहे, मतलब पानी इसमें ना रुके, ये कहने का मतलब है। तो ऐसी मिट्टी आप इसके तैयार करें। अब इसको प्लेस कहाँ पर करना है आपको, तो फ्रेंड्स ये इंडोर प्लांट है तो आप इसको शेडेड एरिया में ही रखें। कहने का मतलब ये है कि आप इसको फुल सन में ना रखें और ऐसी जगह भी मत रखें जहाँ इसको मतलब अंधेरा पड़ता हो, इसकी मतलब इसके ऊपर रोशनी ना पड़ती हो। तो आप इसको शेडेड एरिया में रखें, लेकिन इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे जिससे इसकी जो लीव्स की सुंदरता है वो निखर कर आए। तो ये मेरे शेड एरिया में ही रहता है, लेकिन इसको जो है शाम की 1 घंटे की धूप मिल जाती है और सुबह भी थोड़ी सी धूप मिल जाती है, लेकिन दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे इसको बचा कर रखना होता है। और फ्रेंड्स समर में तो इसको टोटली बचा के रखना होता है, क्योंकि ये समर्स में जल्दी ख़राब हो जाता है प्लांट। तो आप इसको समर में भी अच्छे से बचा के रखें, और विंटर में भी इसको मरने का खतरा होता है, तो आप विंटर में भी इसको फॉग से बचा के रखें, शेड एरिया में रखें। और अगर थोड़ी सी धूप इसको मिल जाती है तो ये प्लांट जो है अच्छा सर्वाइव करता है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो आप इसको अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे ऐसी जगह ही आप प्लेस करें। तो बात कर लेते हैं इस पे इंसेक्ट लगते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स इस पे इंसेक्ट कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो आप इसको स्प्रे करते रहें, इस पे नीम ऑयल का या कोई फंगिसाइड पाउडर का आप स्प्रे कर सकते हैं इस पे। और ये प्लांट जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, कम से कम 2 फीट ही ये ऊंचा होता है, ज़्यादा ये जो है इसकी ऊंचाई नहीं होती है, छोटा ही प्लांट रहता है, तो इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने इसको मेरा ये 5 इंच का ही पॉट होगा शायद, 5 या 8 इंच का, तो उसमें मैंने इसको लगाया, ज़्यादा ये ऊँचा नहीं होता है, तो आप इसको छोटे पॉट में ही लगाएँ। इस प्लांट की काफ़ी वैरायटी आती हैं, तो उनकी लीफ में जो है चेंजेस होते हैं, और इसकी लीफ देखिए इस तरह से हैं, इसमें पिंक शेडेड भी आती हैं लीफ में, और बैक का ये जो होता है कलर ये सेम होता है। तो आई होप कि आपको भी ये प्लांट बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप ज़रूर ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड करें, और कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा ये प्लांट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और मेरी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।